सब पिघल जाते, सब रोते। अरे 20 साल का लड़का एक अकेला मर जाए तो जो पत्थर दिल है वो भी रोएंगे देख के माहौल को। और इतनी सारी मूर्तियां घर में बैठी हैं, एक भी नहीं रो रही है। जवान बेटा मर गया हमारे भगत का, कोई नहीं रो रही है, एक भी आंसू पहुंचने नहीं आई। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, लक्ष्मी की, पार्वती की, किसी की? दुनिया भर के मंदिर में खिलौने रखे, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोष उनका नहीं है मूर्तियों का, भगवान के वास्तविकता का, विशिष्टता का दोष है भगवान के। इसीलिए भगवान के गुण सबसे अलग है, इसीलिए वो निर्गुणा त्रिगुणा त्रमूलम निर्गुणा, यानी वो निर्गुण है। इन गुणों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, कौन कितना महान है। क्यों? भगवान की जो महानता है वो सबसे न्यारी है। पर राजा दशरथ ने जो गुरु धारण किया वशिष्ठ, जिस दिन राजा दशरथ गुरु की आज्ञा तोड़ेंगे उस दिन राजा दशरथ का अंतिम दिन होगा। कथा में आप सुनते चलिए कथा रामायण। जिस दिन भी गुरु की आज्ञा तोड़ी है राजा दशरथ ने, उस दिन राजा दशरथ के सुख का, जीवन का अंतिम दिन आ गया है। इसीलिए गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, हाँ, या तो बिना गुरु के रहो और गुरु कर लिया, और दिल आत्मा और भी 20 लोग कहते हैं कि गुरु एकदम श्रेष्ठ है, गुरु सच में महान है हमारे, तो फिर जरूर गुरु को धारण करो। तुम नहीं समझ पाए तो पड़ोसी से, अड़ोसी से, इससे उससे पूछो गुरु के बारे में। अगर सब कह दे कि गुरु जोरदार है तो फिर धारण कर लो, स्वीकार कर लो। सर्वेषां यथा गुरु पादम, भगवान से भी महान गुरु को माना गया समाज में। इसीलिए राम विशेष है और राम के गुरु विशिष्ट विशेष है। अपने पिताजी के गुरु वशिष्ठ को ही राम जी ने अपने गुरु के रूप में आचरण किया था, आपको पता होना चाहिए। आज ही कथा आ जाएगी, सुनते चले। तो राजा दशरथ ने अपने गुरु जी की ओर देखा और गुरु जी की ओर देखते ही गुरु समझ गए कि दशरथ अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल है। पर दशरथ मिले कैसे, दशरथ को दर्शन कैसे हो? तो यहां पर आपको यह सीख मिलेगी, आपके समाज में सब लोग जानते हैं, कहते हैं जब तक गुरु हाथ नहीं पकड़ता शिष्य का तब तक भगवान बिल्कुल निकट हो तो भी भगवान का दर्शन शिष्य को होता नहीं है। अच्छा दशरथ कौन है? दशरथ तो राम जी के पिताजी, पर पाप बनने के बाद भी राम जी का दर्शन करने का मौका दशरथ को नहीं आया, राम जी का दर्शन दशरथ जी को नहीं। राम जी के पिता दशरथ व्याकुल हुए राम जी के दर्शन करने, परेशान होने लगे। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ की परेशानी को सेख लिया, देख लिया, जान लिया और राजा दशरथ को दर्शन कराने के लिए वशिष्ठ मुनि अग्र खड़े हो गए। पूर्वांतरो अग्रे होताम योगः, हे राजन आप चिंता न करो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं, हम तुम्हारा दुख निवारण करते हैं। गुरु आगे आगे, राजा दशरथ का हाथ पकड़ा, राजा दशरथ पीछे पीछे। कहते हैं साधु को देखकर कभी कभी लोग रास्ता छोड़ देते हैं, साधु जब भीड़ भाड़ में आते हैं तो लोग साइड हो जाते हैं, साधु का सम्मान करते हैं। तो आज राजा दशरथ के लिए नहीं, आज वशिष्ठ मुनि को देख करके सभी महिलाएं जो थी महल में सब इतर वितर हो गई और कौशल्या के जो पालना था उस पालने को अकेला कर दिया। कहते हैं गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, सबने गुरु जी का रास्ता छोड़ा। और जैसे गुरु जी को रास्ता मिला तो वशिष्ठ के चेले दशरथ को अपने आप ही रास्ता मिल गया। हमारा देखिए आप कोशिश करिए, कभी कार में सफर करने का कोशिश कीजिए और जब आप कार में चलें आपको ट्रैफिक तकलीफ दे रहा हो तो आप अपनी कार को ट्रक के पीछे लगा लीजिए, आपको ट्रैफिक की तकलीफ खत्म हो जाएगी। अपनी गाड़ी से बड़ी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी चलाता है उसे ट्रैफिक की तकलीफ 99% खत्म हो जाती है। सारा झंझट ट्रक के सामने आएगा, कार के सामने केवल ट्रक आएगा। और ट्रक की लंबाई चौड़ाई इतनी होती है कि उसके बीच में कार जो है रेल फैल के चल सकती है पीछे पीछे। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में से ट्रैफिक हटाना है, दुखों का, क्लेशों का, बुराइयों का, संकटों का, तो सद्गुरु के पीछे चलने की आदत डाल लो तो फिर तुम्हारे सारे संकट हट जाएंगे, ट्रैफिक निकल जाएगा और बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ जाएंगे।
और ये तो हम खाली यात्रा करते ही रोड पे वहां से ये कथा सीख ली इतनी, तो इतना ज्ञान तो हमने गाड़ी में चलते चलते ले लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी का दशरथ जी के हाथों से जाति कर्मण संस्कार करवाया। ये पिताजी के हाथों से होता है संस्कार, जाति कर्मण संस्कार आपके विलुप्त हो गए, इसीलिए मेरी जरूरत है तुम्हारे क्षेत्र को, इसीलिए रामायण कथा की भागवत कथा की जरूरत है। प्राणी को जो चला गया है वो लौट के आ जाता कथा से, सत्संग से, सब नया हो जाता है। कारीगर के पास में टूटी फूटी प्लास्टिक की कुर्सियों को, प्लास्टिक के डिब्बों को जमा करके आप बेच दो, और बेचने वाला ले जाएगा बंगर कचड़े को और उसे नया करके कंपनी फिर भेज देती है। तो ये कथा सत्संग साधु ज्ञानी ये पूरे जीवन को नया करते हैं, पूरा नया जन्म करते हैं। संस्कार बूढ़ा हो जाएगा, माता पिता के शरीर से पैदा किया हुआ शरीर, पर गुरु के शरीर से जो पैदा किया शरीर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा होगा, बाल बूढ़े होंगे, गाल बूढ़े होंगे, पर ज्ञान कभी बूढ़ा हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ जो वेद है आज तक वो वेद कभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैला नहीं हुआ, मिटला नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। विस्तार ब्रह्मा जी के मुंह से तो चार अक्षर ही निकले थे ज्ञान के, चार अक्षरों के करोड़ों अरबों अक्षर बन गए, शब्द बन गए, मंत्र बन गए, श्रुति सौरव सरोठा सक्षंद ये सब बन गया। महाराज राजा दशरथ ने राम जी के जीभा के ऊपर सोने की सीप लेकर शहद से ओम लिखा। ओम हे राम, तुम्हारी जाति ओम है, तुम ओम से आए हो और तुम ओम आकार हो। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन सोने की सीख से, सोने के तार से, देसी जो मक्खी होती है ना छोटी मक्खी का शहद, छोटी मक्खी का शहद सोने के तार में लेकर तीन बार बच्चे की जीभ पर ओम लिख दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी हकला तुतला और गंदी वाणी का नहीं बनता, उस बच्चे के मुख से गूंगापन चला जाता है, उसे जाति कर्मण संस्कार कहते हैं। ये चौथा संस्कार है मनुष्य का। पहला संस्कार राजा दशरथ ने करवाया वशिष्ठ मुनि से, अगस्त मुनि से, श्रृंगी ऋषि से, उसे कहते हैं पुत्र कामेष्टि संस्कार। पहले दिन यज्ञ करवाया सब ऋषियों से और उसी दिन पत्नियों को गर्भ धारण करवाया महाराज। हाँ, जिस घर में पूजा पाठ यज्ञ और साधुओं के पगले पड़ जाएं, तब कोई बहू गर्भवती बने साधु के हाथ रखवा के आशीर्वाद लेके, उस घर में गूंगा बहरा लुच्चा लफंगा गुंडा पैदा होने वाला नहीं है मरे। और वासना में भोग में अंधे होके बच्चा पैदा करोगे तो ये बीमारी सब आएंगी जो मैंने कहा, लफंगापन आएगा, गुंडापन आएगा, चोरीपन आएगा, छल आएगा, कपट आएगा, बहरा हो सकता है, बावला हो सकता है, जो भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कह रहा है गर्भाधान संस्कारम विदुच्चतम। आपको पता होना चाहिए संस्कार का बड़ा प्रभाव है। आप खुद दीवार बनाइए घर की और एक दीवार मिस्त्री से बनवाइए, जो दीवाल बनाना जानता है उससे एक दीवाल बनवाओ और जो दीवाल बनाना नहीं जानता है एक दीवाल उससे बनवाओ, दोनों दीवालों में शाम तक फर्क आ जाएगा, नजर पड़ जाएगा क्या फर्क है ज्ञान और अज्ञान का, अभ्यास और बिना अभ्यास का। इसीलिए शास्त्र क्या है, अभ्यास है, शास्त्र अभ्यास है,
ऋषियों का अभ्यास शास्त्र में प्रवेश किया हुआ है सूत्र। इसलिए मैंने मजाक मजाक में आज कहा था लोगों से सुबह कि आपने कई बच्चे किए नहीं किए तो करो, एक बच्चा हमारे नाम से करो, शास्त्र के नाम से करो, राष्ट्र के नाम से करो। खिलाना पिलाना कपड़े लत्ते रोटी ये वैसे तो भगवान सबको देता, फिर भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुमसे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, तुमसे अच्छा खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे घर से अच्छे घर में तुम्हारी औलाद को रखूंगा। आज ही लिखवा लो, साइन करवा लो, तुम जैसे घर में रहते हो ना ऐसा घर तो हमारी गौशाला में है, कर्मचारियों के लिए, नौकरों के लिए है, बच्चों के लिए तो बहुत आलीशान है। तो एक एक दीजिए और फिर 15 साल के बाद उस बच्चे को वापस लीजिए, रिजल्ट देखो, उसके परिणाम देखना, वो बालक क्या बन के आएगा, हमारे साथ रहकर उसका क्या जीवन बनेगा। फिर वो नौकरी नहीं ढूंढेगा, इंटरव्यू नहीं देगा, टेस्ट देने नहीं जाएगा, फेल और पास होने का डर नहीं रहेगा उसे, वो खत्म हो जाएगा उसके जीवन में से। सत्यम योग सिद्धि नाम गणेश, परमात्मा गणेश की बीवियां रिद्धि और सिद्धि और गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ दोनों तुम्हारे बच्चे के चरणों में आके सेवक बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, अर्चना करेंगे। रिद्धि सिद्धि जिनको पाने के लिए लोग हिमालय जाते हैं वो तुम्हारे चरणों में आके सेवा करने बैठ जाएंगी। रिद्धि सिद्धि कब? जब तुम्हारा बालक गुरु को धारण कर लेगा तब। प्रमुंचम च योग शास्त्रम ध्यासम तत्व दर्शनम। राजा दशरथ ने ओम लिख दिया राम जी की जीवा पर, जाति कर्मण, राम को जाति दे दी। और ये समाज क्या क्या जाति देता है? आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उसे जाति देते हो आप? नहीं, धीरे धीरे लोग जिसे जाति से पहचान लें वही जाति उसकी। हाँ, क्या जाति है? कोई कहता ये क्षत्रिय जाति का है, कोई कहता ये ब्राह्मण जाति का है, कोई कहता ये वैश्य जाति का है, कोई कहता है शूद्र जाति का है। हो, एक भी संस्कार नहीं और क्षत्रिय अपने आप ही मनगणंत क्षत्रिय बन गए, मनमणंत अपने आप ही। अरे कभी भूल से 1000-2000 वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज ने किसी ने क्षत्रित्व को धारण कर लिया था और उसकी औलाद भी अपने आप को क्षत्रिय मान रही है। याद रखो, जैसे टीचर का बेटा बिना पढ़े लिखे टीचर नहीं बन सकता, वैसे क्षत्रिय का बेटा बिना बल के और धर्म के क्षत्रिय बन सकता नहीं है। हाँ, किसी कलेक्टर का बेटा बिना पढ़े लिखे कलेक्टर बनता नहीं। तो आप कैसे बन जाएंगे पंडित जी बिना पढ़े लिखे? पंडित जी का बेटा पंडित जी, समाज में दुनिया भर के अंडू पांडू घूम रहे हैं और पंडित जी पंडित जी, क्या है ये? ये आपका बना हुआ है, शास्त्र का बना हुआ नहीं है ये। शास्त्र क्या कहता है? व्यवस्थितम योग भाषम। पंडित जी के घर में जन्म ले ले कोई बालक तो वो बिना पढ़े पंडित जी है। पुलिस में नौकरी कर रहे कई पंडित जी, थाने में भी लोग उन्हें पंडित जी करते थाने में। कई लोग पटवारी की नौकरी कर रहे, उनकी किताब पंडित जी की है पटवारी और पंडित जी नाम है उसका। और शास्त्र का कहता है वेद पाठम भवेत विप्रह। जब तक चारों वेदों को कंठस्थ नहीं कर लेगा और चारों वेदों के अनुसार जीवन नहीं जिएगा तब तक वो पंडित होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता है महाराज। हाँ, अब ऐसे तो बीए बीएड करके कितने घूम रहे हैं पर कोई टीचर है क्या? नहीं, खाली कोर्स कर लिया टीचर का तो भी टीचर नहीं है, देख लो तड़फ रहे टीचर बनने के लिए, मरे जा रहे हैं। कितने लोग कोर्स कर रहे एमपीएससी यूपीएससी के, कितने एग्जाम दे रहे हैं, फिर कोई कलेक्टर हुआ, कोई डीएम हुआ? जब हो जाएंगे तब देखेंगे, अभ्यास में लगे हैं, अभी तक नहीं है, पढ़ाई वही कर रहे हैं, पढ़ाई करके भी डीएम नहीं है तो भैया बिना पढ़ाई के कैसे क्षत्रिय हो जाएंगे, कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे, कैसे वैश्य हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, क्या करना पड़ेगा? वशिष्ठ मुनि के साथ जाकर अपने बच्चे को जाति देनी पड़ेगी, बिना जाति दिए जाति कभी आती। हाँ, ये मनगणंत है कि तुम ठाकरे लिखते थे, तुम्हारे बाप दादा लिखते थे, तुम भी ठाकरे लिख रहे, ये मनगणंत हो गया। इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, हकीकत नहीं है इसमें, कोई जानता नहीं कौन कहां से आया है, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज को, अंतर्यामी जानता है। इसीलिए तत्व दर्शनम प्रयागतम च। जाति कर्मण संस्कार करें अपने बच्चे का, उससे पहले 3 संस्कार करवा ले मुझे बुला के। पहला संस्कार कौन सा? यज्ञ का पुत्र इष्टि यज्ञ गर्भाधान। दूसरा कौन सा? कुंसवन।
तीन महीने में मां के पेट में, और तीसरा कौन सा, सीमांत संस्कार सातवें महीने का, और चौथा पिताजी कर ले गुरु जी के साथ, पांचवा कौन सा, नामकरण, वो भी मुझे बुला के करना, और छठवा कौन सा फिर, वायु प्राशन, वायु बच्चे को घर में से आंगन में लाना भी बिना गुरु के ठीक नहीं, उसका भी शास्त्र होना चाहिए। पर आजकल कहां घर में पैदा होते, हॉस्पिटल में पैदा होते, इसीलिए घर में सवाल ही नहीं, आंगन भांगन की बात ही खत्म हो गई, भाड़े से पैदा हो रहे, भाड़े के कमरे में, फीस भर दी डॉक्टर के कहा और एडमिट कर दी मम्मी, एक दिन पहले से एडमिट है, वहां से पैदा होके आ रहा है, औषधालय में बच्चा पैदा हो रहा है दवा खाने में, और भैया बच्चा माँ के पेट में जब गया था तो कहाँ गया था, हॉस्पिटल में गया था कि घर में गया था, हाँ बीवियों को क्यों तैन रहे हो, जो बीवियों के पास बैठे ना वो बीवियों को बोल रहे देख क्या बोल रहे गुरु जी, कुछ नहीं बोल रहे, याद दिलवा रहे हम तो तुमको, बैक टू वैशिक, पीछे लौट के कह रहे, हम कह रहे पीछे मुड़ के देखो इतिहास में कहाँ पैदा किया बच्चा, बोलो ना गर्भस्थाम, शास्त्र यही कहता है भाई, जहाँ आदान किया गया है, जहाँ हम धान बोते हैं खेत में वहीं फसल काटते हैं कि कहीं दूसरी खेत में काटते हैं, मेरे पास तो सिद्धांत है शास्त्र है, मैं कोई उठपटांग भाषा नहीं बात करता, मजाक में बोलूंगा पर शास्त्र ही बोलूंगा, बोलिए बोलिए, बच्चा हॉस्पिटल में हो रहा और गर्भाधान घर में किया है और फसल हॉस्पिटल में कट रही है, ये सब निकम्मा काम आ गया समाज में, जब से ये दुनिया बनी है, सुनिए पूरी दुनिया की जो उम्र है उस उम्र का 80% हिस्सा जा चुका है, यानी अगर ये ब्रह्मांड 100 साल का है तो 80 साल गए, 20 साल बाकी है जीने के लिए हमारे पास, इतने उम्र हमारी जा चुकी है इस दुनिया की, और इतने इतने करोड़ों अरबों वर्षों में, इतने अरबों करबों वर्षों में आज तक सिद्धांत नहीं बदला बच्चा पैदा करने का, ये अभी बदला 20 साल से, और जब से सिद्धांत बदला तब से बच्चे लफंगे हुए, लुच्चे हुए, बदमाश हुए, हीन हुए, कर्मों से धर्म से उल्लंघन करते हैं चरित्र का, धर्म का, ज्ञान का, विज्ञान का, और दोहन और शोषण करते हैं अपनी लाइफ का, क्यों उनकी लाइफ में धर्म दिया ही नहीं माता पिता ने, विलास से हास से पैदा किया उनको, अपव्यंग में उत्तेजना में, शरीर उत्तेजक हो गया, मन उत्तेजक हो गया, बच्चा पैदा हो गया, उत्तेजक होकर बच्चा पैदा करेंगे तो कभी भी राम भरत पैदा होने वाले, कैसे पैदा होते हैं, राम पैदा तो हो गए पर अभी तक राम, ये राम है ये भरत है ये कोई जानता नहीं, क्यों नहीं जानता है, तो मंत्र सुनो वेद का, जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुजोच्यते, जब तक गुरु जी के द्वारा संस्कार नहीं हो जाएगा गुरु मंत्र का नाम का, तब तक राम और भरत का विभाजन होने वाला, अभी तक चारों समान है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब समान है, अभी तक किसी में कोई विशेषता नहीं है, फिर भी कौशल्या के उधर से जो बच्चा पैदा हुआ पूरा जगत उसी के दर्शन कर रहा है, क्यों सुनिए, मजदूरी कर कर पेट भरने वाली जो महिला है, जो किसी के बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, उसके घर में चाहे जितना सुंदर बच्चा हो जाए उसके बच्चे को कोई देखने आता, और किसी मुखिया की, किसी राजा महाराजा की पत्नी के गर्भ से बच्चा हो जाए चाहे वो कितना भी कुरूप है, पर पूरा मोहल्ला वहां मिठाई के डिब्बे ले जाता है, गुच्छे ले जाता है, फूल ले जाता है, उपहार ले जाता है, खिलौने ले जाता है, ये हो गई बड़ी बात, पर यहां पर गुण की बात है, तीन सबसे ज्यादा कुशल गुण वाली कौशल्या है, सज्जन जिसे साधु संत भी प्रणाम करते थे, उस कौशल्या के बच्चे को सब देखना चाह रहे थे, जब कौशल्या इतनी महान है तो बच्चा कितना महान है, आ
सदगुरु भगवान श्री हरि, भगवान शिवजी ने माता पार्वती को इस बात का बोध करवाया। पार्वती को कहा, देवी आज राजा दशरथ के द्वारा जब राजी का दर्शन हुआ, राम जी का जातिक्रम संस्कार हुआ, सभी बच्चों के संस्कार किए गए, राजा दशरथ ने आज दर्शन करने के बाद जो उत्सव किया, जो आनंद बांटा, सबको धन्य किया राजा दशरथ ने, ऋषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और राजा दशरथ के घर में अब मनोहर किलकारियां शुरू हो गई। महाराज बच्चे मनोहरता के साथ में क्रीड़ा करने लगे और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। आज वो विधि का दिन आया जिसमें राम जी का नामकरण संस्कार हो। वशिष्ठ मुनि को आमंत्रित करके राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया और नाम तो चारों के अलग अलग विभाजित कर दिए, अर्थ सहित नाम किए। राम जी का नाम रख दिया, भरत जी का नाम रख दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम रख दिया और उनकी विशेषताएं, उनकी गुणवत्ता, उनकी साधुता, उनकी सज्जनता, उन सबका दर्शन करवा दिया। महाराज राम में क्या गुण है, राम की विशेषता क्या, राम नाम का अर्थ क्या है, वो बताया। यश्च रामम रमंत योगम तत्व ब्रहते योगो चराचरम सही रामम। राम का गुण नाम वाचक शब्द है। एक तो ये है कि ये सब में रमण करेगा, ये सामान्य अर्थ हो गया, यानी कि सबके मन को भाएगा, ये राम है। और दूसरा शास्त्र का अर्थ किया तो कहा ये सब में पहले से ही रमा हुआ है, इसलिए इसका नाम राम है। लक्ष्य पुण्यम कृत्व योगम, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, अपने सबसे बड़े सुख को त्याग करने वाला ये लक्ष्मण बनेगा, पर ये लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ेगा। लक्ष्य क्या है उसका, लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, जो हमारा लक्ष्य है वही लक्ष्मण का है। सामान्य मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वही सामान्य लक्ष्मण का लक्ष्य है। हमारा तुम्हारा लक्ष्य है कि हम किसी भी स्थिति में दुनिया का त्याग करें और राम जी की सेवा में जीवन समर्पित करें। क्यों, पूर्ण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाएं, बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। राम की सेवा में जीवन बीते, चाहे पत्नी तक को त्यागना पड़े, राम की सेवा मिले, धरती में सोना पड़े, पत्थरों में चलना पड़े, अन्न के बिना रहना पड़े, बिना वस्त्रों के जीना पड़े और एक ही वस्त्र में 14 साल निकालना पड़े, ये भी राम जी करवाएं हमसे तो भी हम दास बनकर ये सेवा करें, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। सुख शांति ऐसो आराम में कभी भी सत्य की और भगवान की सेवा मिलती नहीं, नहीं है। चेला को भी शांति सुख चाहिए तो ये सेवा क्या बाहर करेगा, गाड़ी बंगला सोना जगना सब भक्त को चाहिए तो भगवान की सेवा नहीं होगी। भगवान की सेवा करने के लिए सबरी की तरह जंगली बनना पड़ेगा, दुखिया बनना पड़ेगा। जब तक विदुर जैसी झोपड़ी में नहीं आ जाओगे, कृष्ण भोग लेने आने वाले, हाँ सुख साधनों में तो भैया दुर्योधन रहता है, सुख साधनों में तो दुर्योधन रहता है आपकी तरह, वो भी दुर्योधन के पास भी महल गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, पर न्योता देके भी भगवान नहीं आए, न्योता देकर नहीं आए भगवान। क्यों नहीं आए, क्योंकि भगवान का यह रीत है, भगवान का यह धर्म है। तत्व धर्म प्रवत्त योगम ब्रह्म योगो चेतसाम, भगवान का यह परम धर्म है कि वो व्यक्ति को देखता है, उसके लक्ष्य को देखता है, उसके कर्तव्य को देखता है, कौन कितना काला है। इस वजह से कोई नौकरी नहीं लगेगा ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। नौकरी में मेरिट में कौन आया है, नौकरी मेरिट से लगती है, नौकरी ध्यान से लगती है। तो जहां भी आपको ज्वाइनिंग करना है उसके लिए टैलेंट विशेष है, सुंदरता विशेष नहीं। आप कितने बड़े घर से आए, आप कितने ऊंचे खानदान से आए, इसको लेना देना नहीं सरकार को। आपने 5 मिनट में दौड़ पूरी की है, ये लेना देना है आर्मी वालों को भर्ती करने के लिए। आप बड़े घर के हैं, ना ना होंगे कहीं के भी, जब तक आप ग्राउंड क्लियर नहीं करते तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। भगवान ग्राउंड देखता है, ग्राउंड का मतलब है कर्म वास्तविकता। तुमने किसी के घर में जन्म ले लिया, महारथी के घर में, उससे कुछ अच्छा हो जाएगा कभी नहीं होगा, चाहे जितनी बार जन्म ले लो। क्यों, रावण के घर में जन्म लिया कितने पुत्रों ने, पर उद्धार एक का भी हुआ। अब रावण से ज्यादा तो कोई धनवान भी नहीं है। हमने बड़े बड़े विश्व के धनपतियों को देखा है,
इतिहास हम पढ़ते रहते हैं हमेशा, और कहीं ज्ञान न मिले तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, इतिहास को जान लेते हैं, किताबों से हमने देख लिया, पर सोने का मकान हमने अभी तक देखा नहीं रावण के अलावा किसी का। इतना भयंकर मकान, हिमालय की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी लंबाई चौड़ाई श्रीलंका की थी। इतना लंबा मकान भगवान शिव जी ने भेंट किया था रावण को, इतना दान का मकान था उसके पास, फिर भी एक भी बच्चे का उद्धार रावण नहीं कर पाया अपने बड़मपन से, क्योंकि भगवान के यहाँ जो नंबर नहीं लेता वो दुनिया में कहीं भी नंबर ले सकता। जा पर कृपा ता पर कृपा करत सब, आपने बोल दिया था भाला इस तो मेरा ऐसा आशा है आप लोगों से कि आप कितना भी प्रयत्न करो, इच्छा करो, पर राम जी की कृपा लेने के लिए आपको तन मन धन भी अर्पण करना पड़े तो कर दो। सब कुछ अर्पण कर दिया राजा बलि ने, तो भगवान वामन की कृपा हो गई राजा बलि पर, सब धाम दे दिए राजा बलि को, और धन के बदले 100 गुना धन दे दिया, सारे धाम सब दे दिया। क्यों? सब अर्पण किया। अर्पण करने का अर्थ होता है किसी भी स्थिति में धारण कर लो, शास्त्र को मान लो, रामायण को सुन लो, समझ लो और धारण कर लो। इसलिए मैंने आज प्रवचन में सबसे पहले 2 शब्द कहे कि कथा में आना अलग बात है और कथा को लेना अलग बात है। ऐसे तो हम कितने माँ बाप के घर में आते हैं, हमारे ये मम्मी है, ये पापा है, ये मेरा भैया है, ये मेरा काका है, ये मेरा चाचा है, भाई ये एड्रेस तू जो बता रहा है इतना मानता भी है इनको कि खाली बताने के लिए भैया है, हैं? ये तो मैं समझ जाऊंगा, तू मत बता, कोई ना कोई बता देगा कि ये दोनों भाई हैं, पर एक दूसरे को धारण करते हैं क्या? एक दूसरे को समझने की तैयारी है क्या दिमाग में? क्या तुमने धारण किया हुआ है अपने भाई को, अपने भतीजे को, चाचा को? नहीं तो फिर क्यों ढोल पीट रहे हो, मेरा चाचा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा फलाना, ढोल पीट रहे, खाली खोला खोखली बातें हैं ना, धारण कुछ नहीं किया है। ये मेरी पत्नी है। अच्छा, इंद्रदेव महाराज ने कहा बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी, बड़ी सीलवंती है, बड़ी सतवंती है। मैंने तो खूब प्रशंसा की, और प्रशंसा को लेकर के सामने वाले को, पति को जलन हो रही है। देखो मैं कोई बुरी बात कर रहा, पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूं, पर वो भी पति को हजम होती नहीं है। तो काय की पत्नी है फिर तेरी, क्यों बताता फिर रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी, तो प्रशंसा को तो झेल ले। मैं कह रहा हूं बड़ी सुंदर है, बड़ी महान है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सील बनती है, बड़ी सेवा करती है, बड़ी। पति बोल रहा है कि मैंने पता बता के खामखा अपने आप को बदनामी कर ली, तब मेरा सिक्का चलता था गुरुजी के यहां, अब ये एड्रेस बता के अब औरत का सिक्का चलता है, मैं तो पीछे हो गया। तो भाई हमें किसी के यहां परिचय देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भगवान को, किसी देवता को सच में ही भगवान मानते, चाहे वो मूर्ति का प्लास्टिक का है, चाहे वो पीतल का है, चाहे तांबे का है, जिसका भी हो, अगर आपने भगवान उसे मान लिया है तो आपको ये पहले मानना चाहिए कि उसे सब समझता है। अगर उसे कुछ भी नहीं समझता है तो वो केवल मूर्ति पत्थर की है, फिर वो भगवान होती। 2 में से 1 चीज, या तो पत्थर तांबे की मूर्तियों को जमा मत करो घरों में, और जमा करते हो तो फिर ये भी समझो कि इन्हें सब दिख रहा है, ये सब जान रही हैं, इन्हें सब पता है हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जगते हैं, फिर उनसे कुछ भी रहने वाला नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, पर जिस घर में भगवान की पूजा होती है उसी घर में सब कुकर्म होते, तो भगवान अंधा हो जाता है उस समय? नहीं, भगवान तो देख रहा है, भगवान से क्या छुपेगा, सब चुगलखोरी उसी घर में हो रही है, पड़ोसी के साथ में अगले दिन ट्रैक्टर ले जाके कितनी डोर काटनी है उसकी, घर में सलाह बनती है पहले, चारों भाई मिलकर सलाह बनाते हैं, ऐसा करना कल्टीवेटर को ऐसे कस देना, नीचे से खोद के ले आवे, दिखे ना ऊपर से,
सलाह बना रहे और राम जी बैठे बैठे हंस रहे मूर्ति में से, वाह रे वाह कलाकार। अच्छा वैसे मानो 5 बार हल को घुमा भी दिया थोड़ा थोड़ा करके किसी के खेत में, तो पूरी जिंदगी काटोगे किसी की डोर को तो 1 फुट काट पाओगे पूरी 100 साल की जिंदगी में, पूरी जिंदगी यानी पूरी लाइफ भर अगर खेत काटोगे किसी का तो 1.5 फुट से ज्यादा तुमसे कटने वाला नहीं है। तो क्यों बेईमान हो रहे हैं कि आज के छिलके मुसलमान बने जा रहे हैं? भाई बनना है तो धांसु मुसलमान बनो, खाली प्याज के छिलके पे मुसलमान हो रहे हैं, 1.5 फुट पे ही बेईमानी धारण कर रहे हैं, 1.5 फुट पे ही चरित्र खराब कर रहे हैं, पूरी जिंदगी निकल गई 1.5 फुट कटा, क्योंकि आप बीघे के बीघे तो काटेंगे नहीं, क्योंकि है ही 1 बीघा पड़ोसी का, पूरा कैसे काटने देगा, वो मर जाएगा मार देगा। इतनी सी जगह के लिए बेईमान हो रहा है आदमी, और सलाह करता है घर में बैठ के सोच समझ के तैयारी करता है, कई दिन निकल जाते बुरा हुए, कई महीनों से खोपड़ी बुरी, विचार बुरे, चिंतन बुरा, उसके बाद स्टीयरिंग बुरी होती है। जब तक विचार में नहीं आएगा खेत काटना तब तक ट्रैक्टर काटने वाला नहीं है, सवाल ही नहीं है। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं बताओ ना, मान लीजिए 2 फुट ज्यादा कर भी लिया खेत तुमने, तो तुम्हारे दादाजी ने हुकमचंद का काट लिया था 3 फुट, तो दादाजी जब गया तो उसको कुछ नहीं, वो 3 फुट का फुट यहीं के यहीं रह गया, क्योंकि एक एक सूत भर भी धरती तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तो क्यों भाई क्यों लुच्चागिरी कर रहे हो सरेआम, क्यों अपने आप को बेईमान बना रहे हो बाबा? है इसीलिए शास्त्र कह रहा है उसे सुनो, तेन तक तेन भुंजी था मां गृधा कश्य शुद्धनम ईसा वास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये परमात्मा ईसा उपनिषद ये वेद कहता है कि तू जितनी भी धरती काट रहा है ना वो सब भगवान को काट रहा है तू, और ईसा वास्यमिदम सर्वम एक एक पौधे में भगवान है, एक एक कण में भगवान है, तू जो भी ठगी कर रहा है वो भगवान की ठगी कर रहा है, और जो भगवान को ठगता है वो भगवान को ठगने वाला कभी भी सुखी रहने वाला नहीं, कभी नहीं रहेगा। काट लो आप, गांव में नाम रहते हैं कई लोगों के, खेत काटने में नंबर बने फलाना व्यक्ति, गांव में पहचान रहती है उसकी, डोर काटने वाला कौन है गांव में पहचान रहती है, बोर्ड लग जाते हैं उसके घर घर में कि फलाना व्यक्ति बहुत खराब है, उसके पड़ोस में खेत नहीं खरीदेंगे हम, चाहे कोई सस्ता ही बेच रहा है पर खरीदेंगे नहीं, खरीद के करेंगे भी क्या, 3 साल में वो आदमी अपना कर लेगा उसको, और उससे डंडा नहीं चला सकते, बेशर्म है वो। ऐसा नाम हो रहे कई लोगों के बेईमानी करने में, जैसे अपने गांव में कोई शराबियों के नाम रहते हैं, कोई कोई पिवन्नी के बड़े नाम रहते हैं, पिबक्कड़ के पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है वो, टाटा बिरला की तरह प्रसिद्धि पूरे गांव में जय जयकार हो जाता है उसका, शराबी का बच्चा बच्चा जान जाता है, बड़ा ब्योड़ा है, बड़ा पेबक्कड़ है, बड़ा शराबी है, बड़ा बेकार है, पूरा गांव जान जाता है उसको, ऐसे ही ऐसे चोटे को भी जान जाते पूरे गांव, और ऐसे ही उसको जान जाते मुंह से नहीं कहना चाहिए मुझको लफंगे को, उसको भी सब पहचान लेते हैं। इसीलिए कोई हमें बुरी बातों से पहचाने ये ठीक नहीं है, हमारी पहचान होनी तो चाहिए जगत में, पर हमें सूर्य और चंद्रमा की तरह लोग पहचान करें, दूर से भी लोग बिस्तर से उठें तो सुबह सुबह हमारा ध्यान करें, हमारा नाम लें, हमें प्रणाम करें, हम हों या न हो पर हमें प्रणाम करें लोग, हमारा नाम चिंतन करें, और सुबह सुबह उनको देखने से हमारा दिन अच्छा जाता है, ऐसा फोटो बनाओ आप, ऐसा चित्र बनाओ, ऐसा चरित्र बनाओ, तुम्हारा चित्र देखकर कोई दिन भर अच्छा जिए ऐसा चित्र बना लो। इसीलिए रामायण सुनाने में मुझे आज आनंद आ रहा है, क्यों कल तक राम जी नहीं थे इसीलिए कथा थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही थी, राम जी आ गए तो कथा में रस आ गया, क्यों सत्य योगम भगवताम पुण्यः। ज्यादा पानी दूध में डालकर गर्म करके पियो, यानी 1 गिलास पानी ले लो उसमें 1 घूंट दूध डाल दो, जैसे चाय जैसा साइज, चाय में जैसे आधा भगोना पानी रहता है 1 गिलास दूध रहता है, पर बड़ी मजा देती है चाय, तनक सा दूध डाला है पर मजा पूरा दे रही है, अरे मजा पूरा क्यों दे रही है, क्योंकि उसमें मिश्रण है शक्कर का, चाय का, अदरक का, और जो डाला वो इलायची का, और उसमें चाय मत डालो, शक्कर मत डालो, और थोड़ा दूध और ज्यादा पानी डालकर उबाल के पियो, मुंह खराब हो जाएगा आपका, केवल पानी उबाल के पी लो मजा देगा, पर दूध में पानी डाल के पिया तो मुंह खराब हो जाएगा, गुण बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, तो सब रस नी रस तत्व रस, राम रस प्रतन्न योगम
सारे रसों से बढ़िया रस है राम रस। चलिए आप और हम अब राम जी को प्रणाम करें। कर पूजा नैवेद्य चढ़ा, एक चमत्कार हुआ बहुत जोरदार। और क्या चमत्कार हुआ सुनिए। कौशल्या माता ने लाला जी को सुलाया पालने में और यज्ञ करने के लिए बैठ गई। कर पूजा नैवेद्य, यज्ञ में आहुति लगाई प्रसाद की, मिष्ठान्न की, और जैसे ही वो चम्मच में लेके अग्नि में चढ़ा रही थी कौशल्या माता, तो कौशल्या ने एक साथ में राम जी को यज्ञ कुंड में से भोजन करते देखा। जो राम पालने में पड़े हैं वही राम यज्ञ कुंड में बैठे हुए थे। कौशल्या चकबक हो गई, बाबली हो गई, घबरा गई, पसीना आ गया। कौशल्या ने जो चित्र पालने में छोड़ा था वही चित्र उन्हें यज्ञ में मिला, और जब वो वही चित्र पूजा में मिला नैवेद्य भोजन कराते, तो कौशल्या ने मुड़ के पालने में देखा, फिर वही चित्र पालने में, वही यज्ञ में, वही पालने में, वही यज्ञ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कौशल्या सोती उस बिस्तर पर भी वही रूप दिख रहा है। कौशल्या महल में जहां जहां देख रही हैं वहां वहां वही रूप दिख रहा है। ये क्या है? कहते हैं कि यहां कौशल्या माता ने भगवान को पहचान लिया, राम जी को पहचान लिया। और पहचान कर कौशल्या ने कह दिया, ये राम मेरा ब्रह्म है, ब्रह्म ये भगवान है। तो भगवान दौड़ कर आए कौशल्या के पास में और अंग्रेजी में भगवान ने नाम बोला कौशल्या को, कीप साइलेंट, बोलना मत, किसी को बताना मत मैं कौन हूं। मैं जानू और तू जाने, मैं जानू और तू जाने, और किसी को मत बताना, दशरथ को मत बताना, सुमित्रा को मत बताना, कैकेयी को मत बताना, तूने मुझे जान लिया और मैंने तुझे जान लिया, राज को राज रहने दो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और 10 मिनट पहले मैं जो राज खोलने वाला था वो राज अब अपने आप ही खुल गया महाराज। राम जी को वनवास जब होता है तो राम के जाने से कौशल्या मरती नहीं और दशरथ मर जाते हैं, क्योंकि राम को जो पहचान लेता है उसकी मृत्यु कभी होती नहीं। आज कौशल्या ने राम जी को पहचान लिया और राम जी ने कौशल्या को कह दिया कि मैं वही हूँ जो तू मानती है, मैं ब्रह्म ही हूँ, पर तू किसी को बताना। आप भी समझ लो कथा को, अगर आपको भी किसी लड़की में, लड़के में, जीजी में, फूफी में ब्रह्म दिख जाए तो आप भी मौन रखो उस ब्रह्म को। समझ लो कोई मिल जाए, पहचान हो जाए तो फिर देखो अमृत हो जाएंगे महाराज। राम जी के चरित्र की व्याख्या, अब तो मैया ने जब पहचान लिया तो सेवा बढ़ गई मैया की। लाला की सेवा पहले अलग थी, अब यशोदा कौशल्या को पता चल गया कि ये तो ब्रह्म है, तो अब मैया की सेवा में बड़मपन आ गया, बढ़ गई और निरपक्ष सेवा हो गई। और कैसी सेवा होगी? विशुद्ध, कोई गलती न करूंगी, अब कोई भी गलती नहीं। अब तो सारा ध्यान कौशल्या का राम में चला गया, सारी दुनिया एक तरफ और राम की सेवा एक तरफ। इतनी मोह में डूब गई, इतनी ममता में डूब गई राम के लिए। अब तो राम की सेवा देखी कैकेयी ने, सुमित्रा ने देखी सेवा कि कौशल्या कितनी सेवा करती है राम की, अपने लाला की, और हमसे तो तनक भी सेवा नहीं होती छोरों की। तो दोनों की दोनों महतारी अपने बच्चों को कौशल्या के आंगन में डाल के आ गई। महाराज, ए दीदी, तुमसे ज्यादा हम अपने बच्चों की सेवा और निर्माण नहीं कर सकते। अब माएं तो 3 थी, बच्चे 4 थे। अब यहां कहते हैं कि जब संस्कार की बारी आई तो कौशल्या उनकी मां हो गई। अब कौशल्या मां हो गई तो कहना क्या, कौशल्या ने एक को भगवान बनाया तो एक को संत बनाया, एक को संत बनाया तो एक को सेवक बनाया, और एक को सेवक बनाया तो एक को क्षत्रिय बनाया, हरण करने वाला, शत्रुओं को, बुराइयों को मारने वाला। कौशल्या ने 4 बेटों को 4 प्रकार का बनाया, एक को भगवान, एक को साधु,
एक को सेवक और एक को दुष्ट को मारने वाला। दुष्ट को मारने वाला कौन? शत्रुघ्न। सेवा करने वाला कौन? लक्ष्मण। संत कौन? भरत। और भगवान कौन? हाँ। और तुम्हारे चार बच्चे हो जाएं तो तुम क्या बनाते? हाँ, सबने एक ही लक्ष्य बना के रखा है, नौकरी लग जाए। कैसे भी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। अरे मरोगे नौकरी लेकर? एक आध हमारे पास भेज दो ना सेवा में। हाँ, अब आप ये बोलेंगे महाराज हम टीवी पे भी सुनते, वहां भी तुम यही बोलते रहते हैं कि हमारे पास कितनों को, पूरी दुनिया को रख लोगे? हमने कहा दुनिया बहुत छोटी है, ब्रह्मांड को हम रख सकते हैं अपने दिल में, इतना बड़ा दिल है हमारा। क्यों? हम राम की औलाद जो ठहरे, हम राम की संतान है। ईश्वर अंश जीव में सबके बच्चे अपने माँ बाप जैसे होते हैं, केवल मनुष्य का बच्चा अपने माँ बाप जैसा नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। भैंस का बच्चा भैंस जैसा रहता है, बैल का बच्चा बैल जैसा रहता है, सांप का बच्चा सांप जैसा रहता है, चींटी का बच्चा चींटी जैसा रहता है, मक्खी का बच्चा मक्खी जैसा रहता है, पर मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। हाँ, मम्मी टीचर है, पापा इंजीनियर है और बच्चा तीसरा, ये वो मम्मी जैसा ना पापा जैसा, अलग ही निमित्त है बच्चा। मनुष्य का, मनुष्य का जीवन स्वाभाविक नहीं धारण करता किसी चीज को, मनुष्य के जीवन में धारण कराना पड़ता है। इसीलिए संसार में 84 लाख योनियों में किसी को गुरु नहीं है, केवल मनुष्य को गुरु होता है, क्योंकि मनुष्य बिना गुरु के कोई भी रूप धारण करता। हाँ, मनुष्य रूप धारण गुरु से करता है। जेब कतरा भी जेब काटने वाला गुरु बनाता है पहले, चिलम चोट्टा वो भी गुरु बनाते हैं, और बड़े बड़े डकैत भी गुरु बनाते हैं, वो भी गुरु बनाते हैं। अब नहीं है चिलम चोट्टा ना, अब चिलम ही बची नहीं, चोट्टा कहां से आएंगे? पहले चिलम हुक्का रहते थे पीतल के, 5-5 किलो के वो रहते थे, नीचे उनमें पानी भरने वाला कुर्र कुर्र करते थे ना, तो पीतल का चोरी होती थी, पीतल बिकती थी बाजार में, चिलम को तो वो वहीं फोड़ देते थे, इसलिए उनका नाम ही चिलम चुट्टा हो गया। मतलब यह है कि बस कुल मिलाकर आदमी छोटी छोटी स्वार्थ में बेईमान हो जाए, बस वो चिलम चुट्टा ही है, चाहे वो चित्त चुरावे, चाहे वो ये चुरावे, चाहे वो चुरावे। अगर चोरी ही करनी है तो ऐसी चोरी करो जिसे करके दोबारा फिर कभी चुट्टा बनना ना पड़े। हाँ, चोरी करो, मैं थोड़ी ना बोलता हूं, पर एक ही बार कर लो, सब लूट लो एक बार। दुनिया में कोई कहीं रहे पर उसका सब चुरा लो, ऐसे चोट्टा तो ठीक लगते ही। रोज नई चोरी करनी पड़ती है, रोज नई चोरी तब घर चलता है, तो ऐसी चोरी करने से कोई फायदा? इससे अच्छा तो सबसे बेस्ट है मजदूरी करो, मजदूरी। रोज मजदूरी करने वाला तर जाता है दुनिया से, पर रोज चोरी करने वाला कभी दुनिया से तरता नहीं है। तो मजदूरी कर लो, चोरी करना है तो एक दिन कर लो, क्योंकि रोज चोरी करेंगे नया नया पाप। एक बार चोरी कर लो एक ही पाप, और ऐसी करो, ऐसी करो कि वारे नुआरे हो जाए सब। गुरु जी, हम ऐसी औकात, ऐसा बल हमारे पास नहीं, ऐसी चोरी हम सीखे ही नहीं कि हम एक बार में कल्याण कर लें अपना। मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान ने सब गोपियों का चित्त अलग अलग नहीं चुराया। एक दिन सब गोपियां इकट्ठी होकर के पानी भरने जा रही थी, भगवान रास्ते में मिल गए बांसुरी बजाते, सारी गोपियां फिदा हो गई एक साथ। अलग अलग नहीं कि आजा कलावती तू आजा, तुझे बांसुरी सुनाऊंगा, तू आजा मैं नागिन तू सपेरा सुनाऊंगा, तू आजा मैं कौन दिशा में लेके बटुलिया चला मैं। अलग अलग गाने नहीं सुनाए भगवान ने, केवल एक ही गीत सुनाया। कौन सा गीत सुनाया होगा बांसुरी में? यही बात है, मुझसे सीखने को मिलेंगी आपको सबसे ज्यादा। भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी में पहला राग मल्हार फूंका, मल्हार।
भगवान केवल मल्हार बजाते थे बस। मल्हार इतना खतरनाक राग है कि उसको सब गा भी नहीं सकते और उसे सब लोग उसमें कोई सुना भी नहीं सकते, शब्द बहुत कम होते हैं। देख लो गोपियों की तो चलती क्या है, हमारे सरेखा के जमाई हिल रहे हैं। में कोई गीत नहीं है मल्हार में गाने के लिए, इसलिए जो बजाया उतने ठीक है। आशीर्वाद।